अरे यार वहीं रखा होगा पर्स। पर्स क्यों ढूंढ रहे हो, पहले खाना खा लेते ना। लौट के खाऊंगा। हैं? इतना लेट खाना बनाती है क्या? खाने के लिए ही बैठा रहूंगा। तो 10 मिनट लेट चले जाओगे कुछ हो जाएगा क्या? भाई तू सर ये वीडियो बंद कर। नहीं कर रही। बंद कर जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है लो बंद कर दी। लो यार रुको तो खाना तो खा लो, जाओ मत खाओ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में यानी कि नंदिनी अंडास्ता के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो थोड़ी सी घर में नोकझोंक हो गई थी, खाना थोड़ा लेट बनना था तो ओनली सिर्फ नाश्ता करके ही चले गए थे। और मैं खाना खाने के लिए कह रही थी तो गुस्सा कर रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है जाओ नाश्ता तो कर ही लिया है और लंच में जो भी खाना होगा तो वो आप समोसा मोसा मंगा के खा लेना। तो इस कारण अब तो वो ड्यूटी चले गए हैं तो मैं अपना घर के काम में लग चुकी हूँ। और दीपावली नज़दीक है तो थोड़ा सा घर का डेकोरेशन करना पड़ेगा। और ये जो आप चबूतरे देख रहे हैं बिल्कुल ही ख़राब हो गए थे तो मैंने सोचा इन्हें दोबारा से रिपेयरिंग कर दी जाए। लगभग 2 महीने पहले मैंने इनकी रिपेयरिंग करी होगी, जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, अगर जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता है। और दीपावली जैसे कि आ ही गई है और मिट्टी का काम इन दिनों चल ही रहा है तो मैंने कहा कि इन्हें भी सही कर देती हूँ, साथ के साथ लगे हाथ ये भी सही हो जाएंगे और चबूतरों को फिर से सुधार देती हूँ। क्योंकि ना थोड़ा थोड़ा सा टच होने पर ना वो टूट जाते हैं, तो जब मैं इन्हें मिट्टी और गोबर से रिपेयरिंग कर दूंगी ना, एक बार इनके ऊपर मिट्टी और गोबर का कवर चढ़ जाएगा तो ये बार बार नहीं टूटेंगे जल्दी। तो इसके कारण देखिए मैं ये गोबर और मिट्टी दोनों मिक्स कर रही हूँ। मिट्टी वही है सड़ा हुआ भूसा के साथ मिला हुआ वाला था, तो ये मैंने बाल्टी में भर लिया है। अब मैं चबूतरों के पास ले जा रही हूँ जहाँ पे मेरा किचन है। तो आज सारे ही डब्बा अब्बा निकाल के खाली कर दिया था किचन, मैंने कहा अब इन्हें भी धो धा दूंगी। तो ये देखिए ये दी लग जाती है मिट्टी में, यहाँ की मिट्टी में दी लग जाती है तो ऐसे गड्ढे कर देते हैं और फिर वहाँ पर थोड़ा सा भी टच करो ना तो मिट्टी आराम से उखड़ के नीचे गिर जाती है। तो यही हो गया था यहाँ पर, तो मैंने जो ख़राब मिट्टी अंदर दी लगी मिट्टी थी तो उन्हें हटा दिया है मैंने और ये नए सिरे से नई मिट्टी लगा दी है तो अब ये ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पे चबूतरों का कलर देखिए कितना ही ज़्यादा बेकार हो गया है, थोड़ी जगह पे टूटा भी है। तो मैंने कहा अगर मैं इन्हें फिर से कलर ही कर देती ना डायरेक्ट तो ये कुछ दिन बाद फिर ऐसे ही हालात इनके हो जाते, फिर टूट फूट जाते। तो इस तरह से अगर मैंने एक ही बार में इसमें गोबर और मिट्टी से लीप दिया है तो जल्दी से नहीं टूटेंगे कलर करने के बाद भी। और नवरात्रि का आज नवमी का दिन है तो आप अगर देखना चाहेंगे तो मेरे भाई का भी वीडियो है, ब्लॉग बनाता है तो वो भी आप देख सकते हैं। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि मैं आखिर कैसे घर से आई हूँ और मैं आखिर रह कैसे घर में रही हूँ, तो आपको ये उसमें ज़रूर पता लग जाएगा। तो मेरे भाई का जो चैनल है वो है गुंजा कुमारी ब्लॉग्स के नाम से है, तो अगर आप सर्च करना चाहेंगे देखना चाहेंगे कि मेरा मायके का घर कैसा है तो आप ये जो चैनल का नाम मैंने बताया गुंजा कुमारी ब्लॉग्स तो आप देख सकते हैं इस चैनल पे, और लिंक भी मैं दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में तो आप वहां भी जाके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैंने इसको गोबर और मिट्टी से मिलाकर लीप दिया है और यहाँ की किनारी किनारी जो आप कोने कोने में देख रहे हैं ना बाटे कहते हैं कोना इनका बनाया जाता है तो वो भी नए सिरे से बना दी हूँ, लेकिन मिट्टी थोड़ी गीली है तो ये देखिए जो कोना बना रही हूँ ना इन्हें बाटे बोला जाता है, मतलब कि किनारी किनारी का चिन्ह दिखे अच्छा लगे जिससे उसे वो बनाना था, क्योंकि वो सारे ही इसमें टूट गए थे। ऊपर कंडे रखे होते हैं तो इस पे चढ़ चढ़ के बार बार कंडों को उतारना पड़ता है, लकड़ियों को उतारना पड़ता है, इसके कारण टूट गए थे वो बाटे। तो नए सिरे से दोबारा बना दिया है और इसलिए लिपाई कर दे रही हूँ ना कि ताकि ये जल्दी जल्दी ख़राब ना हो, कलर इनका डाउन ना हो जल्दी से, इस कारण से इसे लीप दे रही हूँ नए सिरे से। तो आप में से मिट्टी का काम करना किसको किसको अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद आता है गांव के मिट्टी का काम करना, चूल्हे पे खाना बनाना,
घर की लिपाई करना, पोताई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ना इन सब कामों को बहुत ज़्यादा ही मन लगा के करती हूँ। और जैसे कि आप वीडियो में देखते ही रहते होंगे, हर एक आध दिन पे मैं ये सब काम करती हूँ, लेकिन इन दिनों दीपावली का समय चल ही रहा है, तो इस कारण मुझे ये सब काम और ज़्यादा करना पड़ रहा है। और अब आप सभी को आस्था के पापा ब्लॉग में इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि अब वो 2 या 3 दिन हो गए काम पे जाने लगे हैं, तो इसके कारण आपको ब्लॉग में नहीं दिखाई देते, लेकिन जिस दिन उनकी छुट्टी रहेगी वो ब्लॉग में ज़रूर दिखाई देंगे। कुछ दिन बाद अभी किचन का ये तो मैंने लीप दिया है, लेकिन यहाँ पे अभी कलर करना होगा, मिट्टी से लिपाई करना होगा, तो उसकी भी वीडियो मैं लाऊंगी, तो वो भी ज़रूर आप देखिएगा। अब मैं यहाँ गई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि बारिश का पानी ऐसे दीवार पे गिरता है जिसके कारण ये पूरा दीवार ख़राब हो गया है, लेकिन इस बार तो कम ही ख़राब हुआ है, पिछले साल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो मैंने नए सिरे से पिछले बार लगा दिया था मिट्टी, इस कारण इस बार जो इतना मिट्टी नहीं झरा है, और थोड़ा बहुत ही झरा है, तो बस मैं मिट्टी गोबर से लीप दूंगी तो उसी में ही यहाँ का पूरा जो है मतलब दीवार सही हो जाएगा, उसके बाद इस पे कलर हम कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से गोबर और मिट्टी को हम देखे दीवार पे लीप रहे हैं, और जहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा गड्ढा हो रखा था वहाँ मिट्टी भर दिया है मैंने, मिट्टी और भूसा का जो मिक्सचर बनाया था वो भर दिया है, और उसके बाद ऐसे गोबर से लीप दे रही हूँ। तो ये जो गांव के घर होते हैं ये इसी तरीके से इनकी रिपेयरिंग की जाती है, और कोई चारा नहीं है इनको और बनाए रखने के लिए, तो लेकिन कच्चे घर होते भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि गर्मियों में ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्माहट इनमें बना रहता है। तो ये देखिए इस तरफ इस कोने में ख़राब हो रखा था, और ये बीच ये जो कमरा है इसी का दीवार है और यहाँ पे किचन है, तो यहीं का पूरा मिट्टी का आज काम था तो मैंने ये कर दिया है। और अब ये जो है कुछ डब्बे अब्बे मैंने जो निकाल लिए थे इन्हें धोना है, तो मैंने सोचा साथ के साथ इनको भी साफ़ सुथरा करके रख दूँ, तो जो किचन की डीप क्लीनिंग हो जाएगी जो कहते हैं इंग्लिश में, तो वही हो जाएगी, तो किचन की पूरी साफ़ सफाई हो जाएगी। और ये डिब्बे अब्बे अगर साफ़ हो जाए ना तो फिर क्या ही बात होती है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद खाना आना बनाने में कुछ भी आप काम कर रहे हो किचन में तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से सफाई हो जाती है ना उसके बाद। तो यहाँ पे मैंने सारे डिब्बे निकाल लिए हैं धोने के लिए जो धोने लायक नहीं थे, जैसे कि आपने ऑयल का डब्बा देखा तो मैंने उसे सिर्फ ऊपर से धो दिया था, अगर मैं पूरे ही तेल को किसी और बर्तन में उड़ेल के रखती तो वो बर्तन भी गंदा हो जाता और फिर ये डब्बा भी, मतलब फिर मैंने किया नहीं वो काम, मैंने कहा कि ऐसे ही ऊपर से ही धो देते हैं, डब्बा अंदर से तो साफ ही है, मैंने थोड़ी सी काम चोरी कर ली है इस मामले में, लेकिन कोई नहीं, अगली बार दीपावली का समय 1 महीने बाद फिर है तो उस समय कर दूंगी इन सभी को अच्छे से साफ। यहाँ पे मैंने ये अलमारी जो मिट्टी की बनाई थी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, जिसने नहीं देखा है ना वो अभी जाके देख सकते हैं किस तरीके से ये मिट्टी की अलमारी मैंने बनाई है, और इस पर ये पन्नी मैंने चढ़ाई है जो कि ऑनलाइन मंगवाया था, तो आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में, चेक कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो यहाँ पे मैंने सारे ही जो डब्बे मैंने धो लिए थे वो लगा दिए हैं, लेकिन अभी मैंने इनमें सामान नहीं भरा है, मैंने इन्हें ऐसे ही अभी रख दिया है, सूखे नहीं थे, उल्टा कर करके रख दिया कि इनका पानी सबका निकल जाए, अभी इनमें सामान नहीं भरा है, इसलिए नहीं भरा क्योंकि धूप नहीं निकला था तो बाहर भी नहीं रख सकती थी, इसके कारण मैंने यहीं पे रख दिया, मैंने कहा जब इनका पानी यहीं पे निकल जाएगा साफ़ हो जाए मतलब गीला इनका चला जाएगा उसके बाद इसमें सामान मैं भर दूंगी जो भी होगा।
तो अभी मैंने सिर्फ ऐसे ही इन डब्बों को यहाँ पे रख दिया है, सहेज दिया है। तो आप सभी को अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा है, आई होप आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो आने वाली वीडियो है वो भी आप देख सकें। तो यहाँ पे तो मैंने चढ़ा रखा है चाय और यहाँ पे बारिश हो रही है। अगर और बारिश होगी ना ज़्यादा, तो सारा जो भी मैंने मिट्टी का काम किया वो सारा ही बह जाएगा। तो बारिश ना ही हो ज़्यादा तो वही सही रहेगा। तो मिलती हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए।